आप जहां जाओगे ये तुम्हें फॉलो करेगा। हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम तो दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कौन से भी पेट्स या कैरेक्टर्स हमें सेपरेट व्हीकल में कैसे फॉलो करेंगे, इसे सिखा दो। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ मेनू ट्रेनर की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको कार्ड पर दिख रहा होगा। मेनू ट्रेनर को इंस्टॉल कर लीजिए। मेनू ट्रेनर को इंस्टॉल करने के बाद मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए। मेनू ट्रेनर को ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट स्पॉनर दिख रहा है ना, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद स्पॉनर मोड को ऑन कीजिए। फर्स्ट आप अपने लिए एक व्हीकल को लीजिए। मैं यहाँ अपने लिए एक व्हीकल को स्पॉन कर लेता हूँ। फर्स्ट आप अपने लिए व्हीकल को स्पॉन करने के बाद फिर मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए। मेनू ट्रेनर को ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट स्पॉनर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पेट का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आप कौन सा भी कैरेक्टर को चूज कर सकते हो। मैं यहाँ लेस्टर को स्पॉन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने लेस्टर को स्पॉन कर लिया है। कौन सा भी एक पेट को स्पॉन करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ व्हीकल में जाइए। व्हीकल में जाने के बाद उस कैरेक्टर के लिए ये एक व्हीकल को स्पॉन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मैंने लेस्टर को स्पॉन किया है और उसके लिए एक लंबोर्गिनी को भी स्पॉन किया है। कौन से भी एक पेट को और उसके लिए एक कार को स्पॉन करने के बाद इस प्लस आइकन को उस कैरेक्टर पर ले जाइए। ले जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ टास्क सीक्वेंस दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आए यहाँ ऐड न्यू में जाइए। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एंटर व्हीकल, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद ऐड न्यू में जाइए। फिर से ऐड न्यू में जाइए। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ ड्राइव एंड फॉलो एंटिटी इफ इन व्हीकल दिख रहा है ना, उसको इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एंटर व्हीकल में जाइए। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ सीट दिख रहा है ना, इसको ड्राइवर सीट दीजिए। यहाँ से आप इसकी सीट को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ ड्राइवर की सीट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इसकी व्हीकल को सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ लंबोर्गिनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ ड्राइव एंड फॉलो एंटिटी इफ इन व्हीकल दिख रहा है ना, उसको भी इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आप इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी स्पीड को सेट कर सकते हो। मैं यहाँ 200 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप ड्राइविंग स्टाइल को भी सेट कर सकते हो। यहाँ आप इग्नोर लाइट्स, यहाँ आपको बहुत सारे ड्राइविंग स्टाइल्स मिल जाएंगे। इग्नोर लाइट्स, समटाइम्स ओवरटेक ट्रैफिक, रश्ड, अवॉइड ट्रैफिक,
अवॉइड ट्रैफिक ए लॉट। यहाँ से आप इसे कौन सा भी दे सकते हो। मैं यहाँ नॉर्मल ही दे देता हूँ। और उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ से आप इसका डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। हमारे और इसके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा किसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ हमें सेल्फ दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि माइकल को ये फॉलो करेगा या फिर आप मेरी रोल्स रॉयस को फॉलो करेगा। मैं यहाँ सेल्फ को ही सेलेक्ट करता हूँ। इसे हमारा माइकल जहाँ जाएगा ये उसे फॉलो करेगा। सेल्फ को सेलेक्ट करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ऊपर आ जाइए। ऊपर आने के बाद यहाँ स्टेटस दिख रहा है ना, इसको ऑन कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो लेस्टर कार में बैठ रहा है। अब ये आपको फॉलो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जहाँ जाओगे ये तुम्हें फॉलो करेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप कौन से भी कैरेक्टर को अपने पीछे फॉलो करने की टास्क दे सकते हो। तो दोस्तों इस लेस्टर को आप कार में से उतारना चाहते हो तो मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए। मेनू ट्रेनर को ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट स्पॉनर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ क्विक मैनुअल प्लेसमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ साइड में आ जाइए। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा लेस्टर, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। मैं इसका टास्क सीक्वेंस को डिसेबल करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो लेस्टर कार में से उतर चुका है। फिर से स्टेटस को इनेबल करूँगा तो ये फिर से ये कार में बैठेगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।